ਨਿਹਾਲ हुण असी आनंदपुर साहब की कुख विच एक होर वसदे पिंड अगमपुर के अंदर पहुँच चुके हैं जिथे कि गुरद्वारा होलगढ़ साहब किला होलगढ़ साहब स्थित है। अज वर्तमान में भावें किला छोटा जहा रह गया गुरद्वारा है और उस तरह ही जिहड़ियां बाहरी दी किलाबंदी है वो उस तरह ही छोटी टनल करवाई गई है 215 दे विच। इह ओह स्थान है जिहड़ा कि जिसका कि संबंध होले महल्ले नाल है, क्योंकि जिवें कि समझते हैं कि गुरु साहब बड़ी कौम नूं तैयार करवा रहे सी, कौम इनकलाब वास्ते तैयार कर रहे सी। उन्हें पता सी कि आने वाले समय किस तरह जंगा होणगियां ते खालसा दी साजना तो बाद इमीजिएटली 1700 विच जो इतिहास आउंदा है पहला होला महला लग्गिया सी। होले महले च मसनूई जंगा होंदियां सीगियां, सिंघां नूं शस्त्र विस्त्र तैयार करा के मिलावटी जंगा करवाईआं जांदियां सी। कोई टारगेट दित्ते जांदे सीगे कि तुसीं इत्थे फतेह करना है और टारगेट तो जो भी फौज या टुकड़ी उसनू जितती सी उसनू गुरु साहब अपने हथी इनाम दिया करते सन। ये होले महल की महत्ता तो बहुत भावें 4 साल ही सिर्फ रहे गुरु साहब उस महला 5 साल, लेकिन वो रवायत जी अज भी साढ़े सामने है, क्योंकि होर भावें इतिहास के जो दिन आते हैं होर धर्मां नाल भी धर्म भी मनाते हैं, पर होला महला सिख पंथ का अपना महला है, अपना त्यौहार है। सो जिवें कि दसदे हाँ कि जदों गुरु साहब होला महला हुंदा सी तां इत्थे दीवान लगाया करदे सन, क्योंकि इहदे नाल ही अगे जिहड़ा फतेहगढ़ साहब किला है वह किला उहदे नाल चरण गंगा विच पैंदी है, उस दे नाल एक मैदान हुंदा सी, उत्थे ते इत्थे गुरु साहब वह जंगा करवाया करदे सन। ये होलगढ़ साहब की महत्ता है। दूसरा जो भाई नंद लाल जी सन, क्योंकि गुरु साहब किलियां दे दर्शन करन जाया करदे सन, क्योंकि भावें आप उन्हां दा जिहड़ा स्थान सी किला आनंदगढ़ साहब विच सी और इन्हां किलियां दे विच जो सिख फौजी सन जां सिख जरनैल सीगे जां साडियां सिख खालसा पंथ दी फौजां सन वो रहा करदियां सन। सो उस वास्ते ये जो किला है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अज जदों किला होलगढ़ साहब दे विच जदों असीं दर्शन कर रहे हाँ तां ये उस गल दी भी जिहड़ी इतिहासिक रवायत याद करवाउंदी है कि जदों होले महल्ले दे उत्ते आखिरी दिन महला निकलता है तां निहंग सिंह फौजा आनंदगढ़ साहब के सामने शहीदी बाग तो और होर अपनी छौणियों तो निकल के तैयार हो के जदों मसनूई खेडां खेडण वास्ते वो ही करतब करन वास्ते निकलदियां ने तां वो इत्थों किला होलगढ़ साहब हो के जांदियां ने। इत्थे भी वह उस इतिहासक याद नूं याद करदे ने जदों के गुरु साहब इस गुरद्वारा किला होलगढ़ साहब के आले दुआले आनंदपुर साहब के जदों उत्थे रह के सिंघां नूं शस्त्र विद्या सिखाउंदे सन। तो होलगढ़ साहब के ये जोड़ा वैसे भी जदों जिवें पहलां दस्सिया कि जो साडी योजनाबंदी है गुरु साहब की
ये होलगढ़ साहब गढ़शंकर जो रस्ता जो आता है आनंदपुर साहब नूं उस उत्ते स्थित है। क्योंकि भावें असीं ये महसूस करिए कि शायद रस्ते ये हुण नवें बने ने या ये किवें होए, पर जो इतिहासिक बिरतान दसदे ने वो रस्ते उदों दे चल रहे ने। जिस तरह के असीं कह सकते हैं कि आनंदगढ़ साहब जदों किला गुरु साहब ने खाली किया 1704 दे विच, तां कीर्तपुर साहब ते निरमोहगढ़ वालों होंदे होए जदों पौंटा पहुँचते हैं कलोनी जिथे कि परिवार विछड़िया सी उत्थे स्थित गुरद्वारा है परिवार विछोड़ा। सो रस्ते उही ने, सिर्फ उन्हां दे जिहड़े अज समें दे नाल जिहड़े उन्हां दे जिहड़े रात बदल गए ने, पॉपुलेशन हो गई है, दुकानां बन गईआं ने, पर जिवें असीं कह सकदे हां कि अज सानूं इह जिहड़ियां यादां ने उस महान विरासत नूं याद करवाउंदियां ने जिहदे नाल जिहदे कि असीं वारस हाँ। गुरु साहब दे 300 साल तो वधेरे समां हो चुका है आनंदपुर साहब नूं छड्डिआ, उन्हां दे असीं 300 साल शताब्दी भी मनाई 2004 दे विच, 1708 विच उन्हां दी जोती जो समा गए सन, असीं उन्हां दी याद नूं भी ज़्यादा कीता, उन्हां दा 300 साल जोती जोत दिवस मनाया। ये दिन मनाउंदे शताब्दियां मनाईआं गईआं ने खालसा जी, ये महज जो हुण अज साडे कोल 2020 च असीं महसूस करदे हाँ कि इन्ना वड्डा 1999 च इकट्ठ होया, मतलब कह जा सकदा है कि 1 किलोमीटर चलण वास्ते 4 घंटे लग जांदे सन, इतना रश हुंदा सी, और 1 करोड़ दे करीब लोग आए सन। उस तो बाद लगातार शताब्दियां असीं मनाउंदे आ रहे हाँ, इन्हां किलियां नूं इन्हां साडियां संस्थावां नूं मजबूत करदे जा रहे हैं। पर मैं महसूस करदा कि जो उभार उत्साह पंथ दे चढ़दी कला लई पंथ दे भविख नूं सवारन वास्ते इन्हां शताब्दियों नूं मिलना चाहीदा सीगा, उह शायद सानूं नहीं मिल सकिया, इह साडा ड्रॉबैक रहि गिआ, सिर्फ शताब्दियां असीं मनाण लई मना लैंदे हां। सो मैं समझदा कि इह जिहड़े किले ने इह साडियां संस्थावां ने वर्तमान समें दे विच, भावें छोटियां ने वड्डियां ने जथेबंदियां ने, उन्हां जथेबंदियां नूं मजबूत करिए। अज दी उह मजबूती साडी आउण वाले समें दी 100 साल दी विरासत जिहड़ी है, जो बच्चे साढ़े 2120 दे विच गल याद करनगे तां वेखणगे कि साडे बजुर्गां ने 2020 दे विच जां अपनी जिहड़ी पंथ दी शक्ति नूं किवें बणा के रख्या और जिहदे कि उह वारस बणगे। अज जिवें असीं प्राचीन सिंघां दे वारस हाँ, इस तरह साडे वारस उह बणगे। साडी विरासत किसी विरासत दा मकसद भी इही है कि असीं किस ढंग दे नाल पंथ दे विच ऐसी विरासत प्रति चेतना पैदा करिए। साडा मकसद बहस किले दर्शन कराने या गुरद्वारा विरासतां दे दर्शन कराने नहीं, सो इह जो मैसेज दिंदी है विरासत, वो मैसेज नूं अज असीं साडी नौजवान पीढ़ी किवें अपने मन च वसा के अपनी शक्ति नूं बणाउंदी है, पंथ दी शक्ति नूं वधाई, क्योंकि साडे कोल महसूस करदा है कि नौजवान ऐसा वर्ग है जिहड़ा कि आउण वाले समें दा जिहनूं असीं कहिंदे आ कि नगारची है, उसने नगारे ते चोट लाउंदे होए अगे वधना, रस्ता दसना, बजुर्गां ने भी उसनूं गाइड करना है। सो मैं महसूस करदा कि जिहड़ी साडे इह विरासतां ने, इह विरासतां सानूं किवें प्रेरणा दे सकदियां ने, असीं इत्थे आ के महज गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन नहीं करने, इहनां तों प्रेरणा लैणी है तां जो असीं आउण वाले समें दे विच पंथ लई इक वड्डा रस्ता तैयार कर सकीए, क्योंकि पंथ है ही मार्ग है, क्योंकि मार्ग उत्ते चलना ही नवें पैंडे तय करना है। सो इह होलगढ़ साहिब दी जो प्रेरणा है होले महल्ले ते महज, क्योंकि होला महल्ला भी देखो महसूस करदा कि उह भी इक रवायत बण के रह गई है, सानू वो होले महल्ले दी मूल स्पिरिट नूं उसे तरह तैयार कर लिया के रखना चाहिए है कि अज जो पंथ दे विच काम हो रहा है, जो वड्डे वड्डे विद्वान जां वड्डे वड्डियां होर संस्थावां जां साडे होर पंथ दा चढ़दी कला लई जो लोक काम करदे ने, वो सारा साल काम कर ही जाण, उस उहनां दी जिहड़ी तैयारी जां उहनां दी जिहड़ी प्राप्तियां ने उस नूं पंथ होले महल्ले दे उत्ते याद करे, उहनां नूं बुलावे, उहनूं सन्मानित करे, क्योंकि अज तक सिर्फ निहंग सिंह ही वो पूले चक के वो मना लेंदे ने, रस्म रह गई। सो मैं समझदा कि आप होले महल्ले होलगढ़ दे दर्शन करो, होलगढ़ तो प्रेरणा लै के अज के नौजवानों नूं जां साडे विद्वानों नूं जां साडे जिहड़े होर वख वख खेडां दे खेत्र दे विच, विद्या दे खेत्र दे विच, राजनीति दे खेत्र विच उहनां नूं प्रेरित करके उहनां नूं इनाम देईए पंथ वल्लों, ताकि वह उसे याद नूं ताज़ा करे और होर प्रेरणा पैदा होएगी होर लोगों नूं काम करन दी, वो साडे मॉडल्स बन गए, उन्हां तों प्रेरणा नौजवान लवेगा। देखो साडे सामने एक नोबल प्राइज़ है, वर्ल्ड पद्धर दा नोबल प्राइज़ दिता जांदा है, और उस नूं प्राप्त करन वास्ते किन्ने विद्वान मेहनत करदे ने, कि वह जिहड़े वो इनाम मिलते ने वह होरां नूं प्रेरित करदे ने। सो मैं समझदा कि होले महल्ले की जिहड़ी परंपरा है उस नूं एक नवां रूप देण वास्ते
उसदे नवी जोश पैदा करने वास्ते नवी दिशा पैदा करने वास्ते सानू पंथ के महान लोगों ने जो काम किए होंगे सारा साल जिन्होंने कर चुके हैं भावें डैथ भी हो चुकी है उन्होंने उन्होंने सम्मानित करना चाहिए ता जो असी ये किलियां की महत्ता अज के युग के बरकरार रख के इस प्रेरणा लैके आने वाले समय नवी विरासत सिरजी। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। सोनिहा